आज के इस वीडियो में साइंस पाठशाला आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई है, जिसका नाम है फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि नेट और जेस्ट में दोनों में पूछा जा चुका है। BHUMSC एंट्रेंस में, IIT जैम में, सभी में ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। BHUMSC एंट्रेंस में तो खास कर ये पूछा जाना ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करने के लिए आपको पूरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको टाइम सेव करना है अपने एग्ज़ाम में तो आपको फार्मूले पे ध्यान नहीं देना, फार्मूला डेरिवेशन पे नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, जो कि हम इस आज के इस वीडियो में आपको ट्रिक्स बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, ये नेट 2016 में आया है कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया है ऑफ दी फंक्शन 1/√x2 का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चार ऑप्शन दिए हैं और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपसे पूछेगा कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 3.5 मार्क्स में नेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए, हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये वाला आंसर सही है। अब आप कहेंगे सर आपको याद होगा इसलिए आपने बता दिया। ठीक है बच्चों, तो हमें याद है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि ये वाला आंसर होगा। बाकी ये कैसे आता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जो आपको बहुत हमेशा काम आएगा। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखिए, अगर कोई लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास, तो उसका जो होगा वो होगा डिकेइंग फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डिकेइंग फंक्शन होगा, डिकेइंग फंक्शन का लाप्लास की फॉर्म में होगा आंसर। हमेशा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये लाप्लास टाइप का दिया है तो इसका डिकेइंग होगा, और ये जिसका डिकेइंग होगा उसका लाप्लास होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक, हमें ये दिया है, हमसे पूछा है, तो डिकेइंग तो आप कहेंगे सारे फंक्शन हैं सर, लेकिन डिकेइंग में टू साइडेड डिकेइंग फंक्शन होना चाहिए। टू साइडेड डिकेइंग फंक्शन ये वाला नहीं है हम लोगों का, ये वाला भी नहीं है टू साइडेड डिकेइंग फंक्शन, तो हम लोगों का आंसर इलिमिनेट हो गया। बाकी ये दोनों आंसर बचा है, इन दोनों आंसर में दोनों का डिकेइंग फंक्शन है, दोनों टू साइडेड डिकेइंग फंक्शन क्योंकि मॉड लगा है, तो टू साइडेड डिकेइंग फंक्शन होने की वजह से इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे ये √2 ऊपर वाला होगा या ये वाला होगा, इसके लिए मैं एक छोटा सा और ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों, क्या होगा अगर हमें इसका निकालना है 1/√x2 + a², इसका अगर हम निकालें तो ये आएगा π/a e^-a mod k। ठीक है, मॉड के होना ज़रूरी है, मॉड, क्योंकि टू साइडेड डिकेइंग फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, ना कि वन साइडेड की। तो हमारा इस वाले में क्या बनेगा, इस वाले का बनेगा 1/√2 तो इस हिसाब से देखिए बच्चों, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, π/√2 e^-a और मॉड के, एक ही जगह हमारा क्या होगा बच्चों, √2। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये, यानी कि हमने क्या बताया आपका 1/√x2 + a² दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/π/a e^-a k। उस हिसाब से √2 का स्क्वायर कर देंगे तो π/√2 e^-√k। ये टू साइडेड डिकेइंग फंक्शन होना चाहिए और इस फार्मूले के बेस पे निकाले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3.5 नंबर का क्वेश्चन नेट 2016 में दिसंबर में आया था। ठीक है, मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, ये आया है आपका जस्ट 2017 में आया हुआ है। अब देखिए, इस वाले फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। अब आप कहेंगे सर ये तो किसी फॉर्म में नहीं बनना है, फिर कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई चीज़ फॉर्म में बनती नहीं है, ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं दे देगा, हलवा क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक तो काम करती हैं, लेकिन ट्रिक के साथ ट्रेडिशनल मेथड्स भी आने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों, मैं कभी ट्रिक के फेवर में नहीं रहता, लेकिन मैं सिर्फ ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, इसका देखिए हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2 और x² + 1 ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमारा आप सभी जानते होंगे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो x² + 1 - 1/√x² + 2।
टू, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, हमने बता दिया। अब इसी फॉर्म में बन गया है, इसी फॉर्म में बन गया। अब आप कहेंगे ये रूट टू, ये कई चीज़ें हैं सर, तो अब देखो आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है। आपको अगर कांस्टेंट नहीं भी पता है तो आप ये याद रखिए कि टू साइडेड डिकेइंग फंक्शन होता है। इस जितने भी ये क्वेश्चन होंगे सबका फोरियर ट्रांसफॉर्म टू साइडेड डिकेइंग फंक्शन होगा। उस हिसाब से देखिए ई की पावर मॉड के आएगा, मॉड के आएगा, हमने इसमें बताया था। अब देखिए ये के स्क्वायर हो गया, तो के स्क्वायर वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसमें भी के स्क्वायर हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन आपके पास, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। अब दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है, मॉड के माइनस ए, मॉड के माइनस, मॉड के माइनस मॉड के, ठीक है, ये वाला आंसर हमारा ठीक है। ये वाला आंसर क्यों ठीक नहीं, क्योंकि मॉड के है वो अंदर है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन इतना आसानी से प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और बाकी मैं सारे क्वेश्चन आपको जब बीएचयू में से एंट्रेंस, जेएनयू में से एंट्रेंस और आपका गेट का, नेट का जब पेपर सॉल्व कराऊंगा तो सारी ट्रिक्स और आपको सामने पूरा वो कर दूंगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि वो बच्चे हमारा थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है बच्चों। बाकी आप लोगों से भी हमारा एक निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।